हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर द मूवी एक्सप्लेनर में एक नई वेब सीरीज लेकर आया हूँ, जिसका नाम है जामुन। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो यह मूवी आपके लिए ही बनाई गई है। इस मूवी की IMDB रेटिंग रही 7.5 out of 10। इस मूवी के कास्ट हैं श्वेता बासु, सन्नी हिंदुजा, सौरभ गोयल और रघुवीर दास। आप माने या ना माने, लेकिन इस मूवी में दिखाई जाने वाली कोई ना कोई घटना का आपके जीवन से सीधा संबंध है। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में जामुन प्रसाद एक बच्ची को स्कूटी से घुमा रहे हैं। जामुन प्रसाद पेशे से एक होम्योपैथिक क्लिनिक चलाते हैं। उनकी बेटी चेतना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है और एक आंख से भेंगी है, मतलब उन्हें एक आंख से तिरछा दिखाई देता है, डिसेबल है। उनका बेटा अमन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके बेरोजगार है और अपना बिजनेस चलाने के लिए एक ऑफिस में लोन लेने के लिए आया है, लेकिन किसी कारणवश उसे लोन नहीं मिल पाता और वह उस अधिकारी पर गुस्सा होकर उससे झगड़ा करता है और वहां से चला जाता है। एक दिन जामुल प्रसाद अपने क्लिनिक पर बैठे होते हैं कि तभी उनके दोस्त दामोदर आते हैं और अपने साथ एक मीडिएटर, जो कि शादी विवाह संपन्न कराते हैं, उन्हें लाते हैं। मीडिएटर उन्हें एक लड़के की फोटो उनकी लड़की के लिए दिखाता है, जिसे जामुल प्रसाद मना कर देते हैं। एक दिन घर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त चेतना के पड़ोस का लड़का उसे इग्नोर करके चला जाता है। वह उसे पलट कर देखती है क्योंकि उसके भेंगेपन की वजह से हर कोई लड़का उसे इग्नोर कर देता है। शाम को जामुन प्रसाद टीवी देख रहे होते हैं, तभी रिमोट से चैनल बदलते वक्त उन्हें एहसास होता है कि उनका हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा। उन्हें लकवा या फिर पैरालिसिस की समस्या है। वे इस बात को अपनी बेटी से छुपाते हैं। तभी उनका बेटा आता है और किसी बात को लेकर बाप बेटे में कहासुनी हो जाती है। उसका बेटा गुस्से में घर से चला जाता है। अगले दिन जामुन प्रसाद अपनी बेटी के साथ फोटो स्टूडियो फोटो शूट के लिए जाते हैं। वहां वह अपनी बेटी की आंख की समस्या के बारे में स्टूडियो वाले को बताता है। स्टूडियो वाला फोटोशॉप के जरिए उसका आंख ठीक कर देता है, जिसे जामुन प्रसाद खुश हो जाते हैं। लड़की की फोटो देखकर एक रिश्ता भी उनके यहाँ आता है, लेकिन उसकी आंख के कारण ये रिश्ता भी कैंसिल हो जाता है, जिसके लिए जामुन जी चेतना से माफ़ी मांगते हैं और फुट फुट कर रोते हैं। इधर अमन अपनी बेरोजगारी को लेकर परेशान दिखाई देता है। अगले दिन जामुन प्रसाद यह महसूस करते हैं कि उनकी पैरालिसिस की समस्या धीरे धीरे बढ़ रही है। आगे अमन के दोस्त का मौसा उन्हें किडनी बेचकर पैसा कमाने की बात करते हैं, जिसके तहत वे लोग उनके बताए हुए हॉस्पिटल में जाकर एक डॉक्टर से मिलते हैं। वहां अपने दोनों का चेकअप कराने के बाद उनका सौदा तय होता है। अगली सुबह चेतना को एक कॉफ़ी शॉप में एक लड़के के साथ दिखाया जाता है। लड़का चेतना का बिहेवियर देख के बहाने बनाकर वहां से चला जाता है। शाम को चेतना एक्सरसाइज कर रही होती कि वह अपने परिस्थिति को देखकर बहुत रोती है। यकीन मानिए दोस्तों, यह सीन इतना भावुक कर देने वाला है कि मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। क्योंकि कॉपी क्लेम का मामला आ जाएगा, इसलिए यहाँ पास पूरा वीडियो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बाकी आप सब समझदार हैं। अगले दिन चेतना के पिता उन्हें एक आई स्पेशलिस्ट के पास लेके जाते हैं। सलाह मशवरा करने पर पता चलता है कि उसका आँख तो ठीक हो जाएगा, लेकिन 2-2.5 लाख रुपये लगेंगे। पैसे की बात सुनकर जामुल प्रसाद जी का हाथ काँपने लगता है। तभी चेतना उसे देख लेती है और घर आने पर उन्हें बहुत फटकार लगाती है कि उन्होंने इतनी गंभीर बीमारी के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया। इन सब बातों को अमन चुपके से सुनता रहता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। शाम को अमन छत पर बैठ के अपने दोस्त के साथ शराब पीते हुए अपने घर की परेशानियों के बारे में बात कर रहा होता है। तभी डॉक्टर का कॉल आता है और वो कल किडनी निकालने की बात कहता है। अगले दिन वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। वहाँ उनका चेकअप होता है, तभी उसका दोस्त किडनी निकालने से मना कर देता है और अमन को भी चलने के लिए बोलता है, लेकिन अमन तैयार नहीं होता और उसका दोस्त वहां से चला जाता है। अमन का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। बाहर जाकर अमन का दोस्त देखता है कि कुछ पुलिस वाले उस हॉस्पिटल की ओर रेड मारने के लिए आ रहे हैं। इसी तरह वह बचता बचाता अमन के पास पहुँचता है और डॉक्टर के साथ उसे बचाते हुए सीढ़ियों ऊपर से नीचे ले जा रहा होता है। डॉक्टर पुलिस वालों को देखकर भाग जाता है और अमन वहीं नीचे गिर जाता है, जिसके कारण अमन की मौत हो जाती है। जामुल प्रसाद और चेतना घर पे ही डिप्रेस्ड जिंदगी बिता रहे होते हैं। आगे जामुल प्रसाद और चेतना डॉक्टर केवल से मिलते हैं, जो उन्हें लकवे के इलाज एक्सरसाइज के थ्रू कर रहे हैं। अब जामुल प्रसाद जी घर पे ही जिंदगी बिता रहे हैं। उन्हें अपना क्लिनिक भी बेचना पड़ जाता है क्योंकि अब वे क्लिनिक नहीं जा पाएंगे।
चेतना का प्रैक्टिकल एग्जाम अब शुरू हो गया है। एक दिन जामुल प्रसाद अपने घर की सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं कि तभी उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वे नीचे गिर जाते हैं। तभी पड़ोसी के लोग चेतना को कॉल करते हैं। चेतना घर पर आती है और अपने पिता को खूब डांटती है क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वे घर से बाहर निकल सकें। अगले दिन डॉक्टर केवल घर पर आते हैं और जामुल जी की स्थिति देखते हैं। वे उन्हें घर पर रहने की ही सलाह देते हैं। डॉक्टर केवल भी अब चेतना को पसंद करने लग गए हैं। शाम को जामुल प्रसाद जी जब तैयार हो रहे होते हैं तभी चेतना आती है और उन्हें बताती है कि उसकी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब वह नर्स बन गई है। वह खुशी खुशी में उन्हें मिठाई खिलाती है। तभी थोड़ी देर बाद वो लोग कहीं जाने के लिए निकलते हैं। तभी जामुल प्रसाद जी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वे नीचे गिर जाते हैं। किसी तरह वह उन्हें घर से अंदर ले जाती है और उन्हें घर के अंदर बंद करके अपने काम पर चली जाती है। शाम को आने पर चेतना देखती है कि पूरा घर तालाब बन गया है, यानी कि पूरे घर में पानी भरा हुआ है और जामुल प्रसाद घर के एक कोने में बैठे हुए हैं और उनके प्रति और भी चिंतित हो जाती है। शाम को चेतना पढ़ाई कर रही होती है कि तभी देखती है कि उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया है जो डॉक्टर केवल ने भेजा है। डॉक्टर केवल उसे कॉफ़ी के लिए इन्वाइट करते हैं। अगली सुबह वे कॉफ़ी पर मिलते हैं। वे एक दूसरे का हालचाल जानते हैं और अपने परिवार के बारे में बताते हैं। चेतना बताती कि क्यों उसका रिश्ता उसकी आँख के कारण नहीं आ रहा है, लेकिन डॉक्टर केवल उसे कैजुअली लेते हैं। डॉक्टर केवल भी अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं कि वह अपने माँ के साथ रहता है और उसके पिता किसी और औरत के साथ सेटल हो गए हैं विदेश में। वे एक दूसरे से बातचीत करते हैं और घुल मिल जाते हैं। वे पूरा दिन एक साथ बिताते हैं। अगले दिन चेतना एक लड़के दीनू को अपने घर पर 5 दिन रहने के लिए बुलाती है क्योंकि वह 5 दिन के लिए नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रही है। वह बताती है कि उसे घर में देखभाल के लिए पिता है, दिन भर उसका ख्याल रखना है और 5 दिन उन्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगले दिन चेतना घर से जाते वक्त उन्हें समझा बुझा कर जाती है कि वह घर से निकलने की कोशिश न करें और घर में अच्छे से दीनू के साथ साथ में रहें। चेतना के जाने पर जामुल प्रसाद जी दीनू को घर से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीनू है कि वहाँ से जाता नहीं। बीच बीच में दामोदर अंकल और डॉक्टर केवल उनका हालचाल पूछने के लिए आते रहते हैं। एक दिन दीनू देखता है कि जामुल प्रसाद घर के अंदर बाथरूम में ना नहाकर बाथरूम से बाहर ही नहा रहा है। वह उन्हें डांटता है, लेकिन जामुल प्रसाद उसके ऊपर पानी फेंक देता है जिससे गुस्से में दीनू वहां से चला जाता है। शाम को डॉक्टर केवल आकर देखते हैं और चेतना को कॉल करके सारी बात बताते हैं। चेतना इस बात से पूरी तरह से परेशान हो जाती है। अगले दिन जामुल प्रसाद जी दरवाजे पर देखते हैं कि पड़ोस में कुछ कार्यक्रम चल रहा है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उनके पड़ोसी का निधन हो चुका है। वे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वे अपने सामने अपने बेटे अमन और अपनी बेटी चेतना को देखते हैं। थोड़ी देर बाद वे अपने आप को एक अर्थी पर लेटा हुआ महसूस करते हैं। वे काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह अपने आप को संभाल लेते हैं और शांत हो जाते हैं। सुबह अपनी बेटी की आने की खबर सुनकर जामुल प्रसाद सीढ़ी से नीचे उतर रहे होते हैं कि तभी वे सीढ़ी से गिर जाते हैं। इधर से चेतना भी आती है और देखती है कि डॉक्टर केवल उनका इंतजार कर रहे हैं। वे दोनों एक साथ घर की ओर बढ़ते हैं। तभी देखते हैं कि उनके पिताजी सीढ़ी पे पड़े हुए हैं। वे उनको घर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जामुल प्रसाद घर से बाहर का वातावरण देखने की इच्छा व्यक्त करता है। वे दोनों उन्हें कंधे पर उठाकर घर के बाहर ले जाते हैं, जिसे जामुल प्रसाद अपने आप को तनाव रहित और निरोगी महसूस करता है। आगे डॉक्टर केवल चेतना और उनके पिता को अपने घर अपने रिश्ते की बात करने के लिए ले जा रहा होता है। वे खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ते हैं। डॉक्टर केवल उन्हें अपनी माँ से मिलाता है और वे खुशी खुशी सगाई की बात करते हैं। इस तरह जामुल प्रसाद जी खुश हो जाते हैं और उन्हें अपनी बेटी की विवाह की चिंता भी समाप्त हो जाती है क्योंकि उन्हें योग्य दामाद मिल गया था। तो दोस्तों, इस तरह मूवी समाप्त हो जाती है। तो मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।